Assalamualaikum friends, this is Miami here from Bangkok, Thailand. और जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम में एक सांप को मैंने रेस्क्यू किया था एक स्ट्रीट से, जो कि घर से गुस्सा हुआ जो है वो इस साइड पे आ गया था। और ये जो सांप है मेरे पास, इसको गोल्डन ट्री स्नेक कहा जाता है, जो कि माइल्डली सांप होते हैं, माइल्डली वेनम स्नेक होते हैं, यानी कि इनका जो जहर होता है ये बेसिकली जो है ये कम जहरीले होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 से 3 दफ़ा किसी को काटे तो फिर जाके प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ अगर ये 1-8 दफ़ा काटते हैं तो इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता इंसान को। और ये है जी कि ये दरख्तों पे पाए जाने वाले सांप है, जो मोस्टली जो है अपना जो टाइम होता है वो दरख्तों पे गुजारते हैं, इसलिए इनको जो है आर्बोरियल स्नैक्स भी कहा जाता है। और ये जो सांप होते हैं ये इनको ग्लाइडिंग स्नैक्स भी कहा जाता है या फ्लाइंग स्नैक्स कहा जाता है, क्योंकि जो ऊँचे ऊँचे दरख्त होते हैं ये वहाँ से जो है एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगा के तो हवा में ही ग्लाइडिंग करते हुए दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये बहुत ही सुपर फास्ट सांप होते हैं। और इसको मैं निकालने लगा हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सांप, इधर आके पास आके दिखाएँ ज़रा। और ये इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। इस वक्त ये पूरी पूरा इसका सर ऊपर है और ये बिल्कुल जो है ये भागने की फ़िराक में है। तो ये है जी, ये पूरी तैयारी में है कि ये भाग जाए, और मुझे नहीं पता कि मैं इसको पकड़ पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में निकलेगा। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जी कि इसको आपको निकाल के मैं दिखाता हूँ। देखिएगा तो ये पूरी तरह जो है ये निकलने के लिए तैयार है। और ये देखिए इसकी स्पीड, देखिएगा इसकी स्पीड, देखिएगा ये जो है जी ये गोल्डन ट्री स्नेक है। आगे आगे दिखाएं ज़रा इसको, और ये माइल्डली वेनमस सांप है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्लोज आके इसका ज़रा क्लोजअप दिखाएं ज़रा पास आए इस साइड से, हाँ तो ये दिखाएं ज़रा, इसने कोई चीज़ भी निकली हुई है। तो ये देखिएगा, कल भी मैंने इसको इसी जगह से पकड़ा था कि ये अपनी जो खुराक है इसको बाहर ना निकाल सके, समझ रहे हैं आप। अगर मैं इसको पीछे से इसकी टेल से पकड़ूंगा तो ये क्या करेगा, इसकी जो खुराक है ये उसको जो है वो बाहर निकाल देगा। इसलिए कोई भी जो एक्सपर्ट है, जब सांप ने खाया हो तो कभी भी सांप को टेल से ना पकड़ें, क्योंकि जब आप टेल से पकड़ते हैं तो वो भागने के लिए अपनी खुराक जो होता है वो बाहर निकाल देता है, ठीक हो गया। तो इसलिए आपने हमेशा इसको तब पकड़ना होता है, कहाँ से पकड़ना होता है, जब इसने खुराक खाई हुई है तो खुराक वाली थोड़ी सी आगे वाली जगह से पकड़ते हैं ताकि उसको बाहर उगल ना दे। तो ये है जी कि ये इसकी अभी स्पीड देखिएगा आप जाते हुए, इस साइड पे आगे दिखाएं, ये देखिएगा, ये दिखाएं दिखाएं इसको जाते हुए, ये ले जी, ये उस साइड पे को देखें, ये रहा इसको मुझे दिखा दें आप, मैं दिखाता हूँ इसको जाते हुए, ये देखिएगा जी, ये सिर्फ इसलिए थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ये इसने खुराक खाई हुई है। और ले जी ये झाड़ियों में गायब हो गया। और ये है जी के मुख्तसर जी, मैंने ज़रा वीडियो बनाई है और इसको इसके इलाके में हमने जो है आज़ाद कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच गाइस।